हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एचआईवी इंजेक्शन के बारे में जो पेशेंट्स और हाई रिस्क लोगों के लिए एक रियल गेम चेंजर है। सिर्फ हर 6 महीने में एक इंजेक्शन जो एचआईवी से प्रोटेक्शन देता है, और ये गेम चेंजर इंजेक्शन का नाम है लेनाकापावीर। ये लेनाकापावीर 2 ब्रांड में अवेलेबल है, सनलेका एंड यस्टिगो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लेनाकापावीर कैसे काम करता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ये लेनाकापावीर कैसे काम करता है, किन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लेना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी होंगी इस इंजेक्शन को लेने से पहले, और सनलेका और यस्टिगो के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HIV हम सबको पता है एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो ये एड्स में चेंज हो जाता है। एड्स HIV की लास्ट स्टेज होती है, जहाँ पर इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और बॉडी में हर टाइप के इन्फेक्शन जैसे स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और कुछ सीरियस इन्फेक्शन जैसे TB, कैंसर्स बहुत ईजली बॉडी पे अटैक करते हैं। दुनिया भर में HIV से अब तक करोड़ों लोग अफेक्ट हो चुके हैं और हर साल लाखों नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी तक हमारे पास HIV की कोई वैक्सीन क्यों नहीं है। HIV एक बहुत ही ट्रिकी वायरस है। ये वायरस हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करता है, यानी अपने स्ट्रक्चर, अपने शेप को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से एक एंटीबॉडी या एक ही वैक्सीन उसके अगेंस्ट काम ही नहीं कर पाती। और दूसरा बड़ा रीज़न है, HIV वायरस का जो जीनोम है वो होस्ट के DNA के साथ बहुत क्विकली जुड़ जाता है, जिसको रिमूव करना एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है। इसी वजह से HIV के लिए अभी तक कोई भी लॉन्ग लास्टिंग वैक्सीन नहीं बन पाई है। और इन्हीं सब चैलेंजेस की वजह से डॉक्टर्स ने प्रिवेंटिव के लिए प्रेप पिल्स डेवलप की थी, यानी ऐसी पिल्स जो डेली टैबलेट्स के फॉर्म में लेनी होती हैं। ये पिल्स हर किसी के लिए लेना काफ़ी मुश्किल है। कुछ लोग इसको लेना भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं लोगों के सामने ये पिल्स लेना, और अगर एक भी दिन पिल मिस हो गई तो प्रोटेक्शन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इन सभी वजह से प्रेप पिल से कंसिस्टेंट और रिलायबल रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक नया ऑप्शन आ गया है, लेनाकापावीर। तो ये लेनाकापावीर 2 ब्रांड्स में अवेलेबल है। पहला है सनलेका, जिसको अप्रूवल 2022 में FDA से मिला था, और ये एज अ ट्रीटमेंट यूज़ होता है, यानी जिन लोगों को HIV है उनके लिए ये सनलेका ब्रांड का लेनाकापावीर यूज़ करते हैं, या उन लोगों में जो HIV की ऑलरेडी मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं या जिन पर मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जिसे कहते हैं, या जिनको अपनी करंट मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों में डॉक्टर सनलेका को दूसरी HIV मेडिसिन के साथ कंबाइन करके देते हैं। और अब बात करते हैं लेनाकापावीर यस्टिगो ब्रांड की, जिसको FDA ने जून 2025 में अप्रूव किया है। ये एक ब्रेक थ्रू प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है। इसे हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में HIV से बचने के लिए, खासकर वो लोग जो हाई रिस्क सिचुएशन में होते हैं, उनके लिए ये एक नई उम्मीद है। याद रखें, ये एक प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है, यानी HIV से फ्यूचर में बचने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसने 99.9 प्रोटेक्शन दिखाई है HIV के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज, किन लोगों को लेनाकापावीर नहीं लेना है। उन लोगों के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, यानी इससे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करना है। अगर किसी को अपना HIV स्टेटस नहीं पता है तो भी वो यस्टिगो लेनाकापावीर को यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में HIV टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो ही इस इंजेक्शन को लिया जा सकता है और ये इंजेक्शन हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो इंजेक्शन नहीं लेना है और दूसरी मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना है।
तो आप क्विकली समझ लेते हैं कि कैसे एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है और लेनाकॉपरवीर हमें कैसे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये है एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर और ये है उसका कैप्सिड। इस कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए। कैप्सिड आरएनए को प्रोटेक्ट करता है। जब ह्यूमन की बॉडी में एचआईवी वायरस एंटर करता है, वो ह्यूमन की सेल की सरफेस पे अपने आप को अटैच करता है, फ्यूज करता है, और सिर्फ कैप्सिड जिसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। फिर कैप्सिड अपने आप को रिमूव करता है, जिसे अनकोटिंग कहते हैं, और अपने अंदर प्रेजेंट आरएनए को रिलीज करता है। ये आरएनए फिर डीएनए में चेंज होता है और फिर ये डीएनए ह्यूमन के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है। ह्यूमन के न्यूक्लियस में ह्यूमन का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर ये वायरस का डीएनए और ह्यूमन का डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ से वायरस अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है और मल्टीपल वायरसेस बॉडी के अंदर बनने लगते हैं। फिर ये सारे वायरस उस सेल को, सेल में से रिलीज हो जाते हैं और अदर सेल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इस तरीके से ह्यूमन की बॉडी में मल्टीपल वायरस का लोड बढ़ता जाता है। तो अब देखते हैं लेनाकॉपरवीर कैसे काम करता है। ये वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल में अलग अलग स्टेजेस पे काम करता है। लेनाकॉपरवीर एक कैप्सिड इनहिबिटर है, यानी जब वायरस अपना कैप्सिड रिमूव कर रहा होता है और आरएनए को रिलीज कर रहा होता है, लेनाकॉपरवीर उसको कैप्सिड रिमूव नहीं करने देता, यानी अनकोटिंग को ब्लॉक कर देता है। और अगर कैप्सिड रिमूव नहीं होगा तो वायरस का आरएनए भी रिलीज नहीं हो पाएगा और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। और अगर किसी की बॉडी में आरएनए रिलीज हो गया है और डीएनए में कन्वर्ट हो गया है, तो भी लेनाकॉपरवीर उस डीएनए को ह्यूमन के डीएनए के साथ नहीं जुड़ने देता, यानी इंटीग्रेशन को ब्लॉक कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेनाकॉपरवीर लेट स्टेज में भी इंटरफेयर करता है, यानी अगर किसी की बॉडी में वायरस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कॉपीज बन चुकी हैं, तो भी लेनाकॉपरवीर उन कॉपीज को मैच्योर नहीं होने देगा, यानी वो कॉपीज, वो वायरस इन्फेक्शियस नहीं होंगे, वो बीमारी कॉज नहीं कर पाएंगे। तो अब तक हमने समझ लिया है कि लेनाकॉपरवीर कैसे काम करती है। नाउ क्विकली समझते हैं कि ये यस्टिगो लेनाकॉपरवीर को कैसे और कहाँ लगाया जाता है। यस्टिगो इंजेक्शंस के फॉर्म में मिलता है, जो सबक्यूटेनियस रूट से, यानी स्किन के नीचे दिया जाता है। इस इंजेक्शन को स्टमक या थाई के एरिया में लगाया जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, सिर्फ हर 6 महीने में एक बार लगता है, मतलब पूरे साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन की ही जरूरत होती है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। लेनाकॉपरवीर इंजेक्शन लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए। सबसे पहले लेनाकॉपरवीर स्टार्ट करने से पहले एचआईवी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, यस्टिगो लेनाकॉपरवीर सिर्फ और सिर्फ एचआईवी नेगेटिव लोगों के लिए ही है। उसके बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं या फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। इसके साथ साथ कोई मेडिसिन के साथ कोई एलर्जी है या कोई दूसरी बीमारी है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, साइटोमेगालोवायरस, जो रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, यानी बार बार होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर्स डिसाइड कर सकें कि लेनाकॉपरवीर आपके लिए सेफ है या नहीं। तो ये लेनाकॉपरवीर एक रियल गेम चेंजर और नई उम्मीद बन गया है, मिलियंस ऑफ लोगों के लिए एक नई होप लेके आया है, और अब ये मार्केट में भी अवेलेबल होने वाला है, जिसे एचआईवी पेशेंट को ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही एचआईवी को इफेक्टिवली कंट्रोल करने का सपना भी अब शायद रियलिटी बन सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। Thanks for watching. See you in the next video.